फिर हम ये इनर प्रोडक्ट्स पे स्टार्ट करेंगे बस। हाँ मैम और मत कराना, उतार हो जाएगा, खिचड़ी पक जाएगी फिर। हाँ चलो आ गए सभी, यहाँ रहते हैं अभी तो। रुको मैं ग्रुप में मैसेज कर देती हूँ। तुम्हारी डेट शीट आ गई ना? यस मैम। कब से है? नॉट येट। 21 से है मैम हमारे तो, मैथ का तो। अच्छा आज क्या हो गई? मुझे ऑनलाइन है या ऑफलाइन है तुम्हारे? ऑफलाइन। हाँ यार हमारे भी ऑफलाइन है। रियल का मैम पहले तो 23 को अरे नहीं, ऑफलाइन में ही फायदा है, ऑफलाइन ही देना सभी। अगर ऑनलाइन का ऑप्शन भी हो ना, मतलब दोनों में से चूज करना, तो ऑफलाइन चूज करना। डेट सीट आ गई मोनिका? नहीं आई, मैं अपनी बात थोड़ी कर रही हूँ। अच्छा छुट्टी में लगाई है, पता नहीं क्या है ना। ज्योति डर गई ना, अरे पता नहीं क्या। ज्योति हमारे MDU वाले तो ना हमारे कान में बता के जाएंगे डेट शीट एक रात पहले। हाँ नहीं तो अरे देखा 15 डेज बिफोर आ जाती है डेट शीट, पर अपनी तो आई नहीं। कोई नहीं, पता नहीं क्या ही चाहते हैं। चलो म्यूट कर लो सभी। देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज अपनी सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। छोटी सी डेफिनेशन है, एक कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यू टू वी, उसको हम सिंगुलर या नॉन सिंगुलर, पहले चलो नॉन सिंगुलर देख लेते हैं। नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब कहोगे? इफ नलिटी ऑफ टी is equal to singleton zero, या फिर कर्नेल ऑफ, मतलब कि सिर्फ जीरो की इमेज जीरो आए और किसी भी एलिमेंट की इमेज जीरो ना आए। कर्नेल ऑफ का मतलब वही होता है कि ऐसे सारे एलिमेंट्स जिनकी इमेज जीरो आ रही है, तो हमें इतना तो पता ही कि कर्नेल ऑफ इमेज जीरो एलिमेंट तो आता ही है, बिकॉज जीरो की इमेज जीरो आती है। बट और किसी एलिमेंट की अगर इमेज जीरो आ जाती है तो उसको हम सिंगुलर कहेंगे, और अगर सिर्फ जीरो की इमेज जीरो आती है तो उसको हम नॉन सिंगुलर कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने ये लिया, मान लो p फ्रॉम R3 टू R, और मैंने ऐसे मैपिंग ले, ऐसे डिफाइन कर दिया, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब बताओ ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है, चेक बॉक्स पे लिखना सभी, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है कि आपको इमेज जीरो मिल जाए। अगर आप इमेज को जीरो लिखते हो तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या मिलती है? लिखो सभी। बताओ अगर आपने इमेज को जीरो रखा तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या मिली? वेरी गुड।
तो इसका मतलब जब तीनों ही हमारे कंपोनेंट जीरो होंगे तभी आंसर जीरो आ सकता है। अगर आपने एक भी नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया एक्स वाई जेड में, सपोज आपने ऐसे लिखा 1 0 0, तो इसकी बेस तो ये आएगी ना 0 0 1, जीरो तो नहीं आई। इसका मतलब वैसे भी आप और भी देख सकते हो, अगर आपने कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट लिया उसकी इमेज कभी भी जीरो नहीं आई, तो दैट मीन्स दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। कैसी है? नॉन सिंगुलर, क्योंकि इसके कर्नेल में सिर्फ सिंगलटन जीरो आ रहा है और किसी एलिमेंट की इमेज जीरो नहीं आ रही। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, मान लो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन चेंज कर दी, ये एग्जांपल आपने पहले दिया था x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये ट्रांसफॉर्मेशन लिया। अब आपको पता चलो जीरो की इमेज तो जीरो आएगी, बट इसकी भी इमेज जीरो आएगी, देखो है ना, इसकी भी इमेज जीरो आएगी, ये हमने एग्जांपल पहले भी किया है। और भी काफी सारे एलिमेंट्स हैं, मतलब इस टाइप के आप जैसे भी लोगे ना उन सभी की इमेजेस क्या आने वाली है? जीरो। इसका मतलब मुझे जीरो के अलावा भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स मिल रहे हैं जिनकी इमेजेस हमारे पास जीरो आ रही है। दैट्स व्हाई जो ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है दिस इज सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज कर्नेल ऑफ टी सिंगलटन जीरो से तो बड़ी ही है, सिंगलटन जीरो तो है ही, बट कुछ और एलिमेंट्स भी हमें ऐसे मिलेंगे इस टाइप की आई है ना कर्नेल अपनी एक्स बिलोंग्स टू आर, इसके अंदर सिर्फ सिंगलटन जीरो नहीं है और भी काफी सारे एलिमेंट्स, तो इसलिए इसको सिंगुलर बोला जाए। तो इन शॉर्ट डेफिनेशन यही है, अब नॉन जीरो एलिमेंट्स की भी इमेजेस जीरो मिल जाती है देन द ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज सिंगुलर, अदरवाइज इफ ओनली जीरो की इमेज जीरो आ रही है देन द ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर। इज द डेफिनेशन क्लियर टू एवरीवन? राइट इन चेक बॉक्स, है ना, डेफिनेशन तो आसान ही है। चलो अब एक एग्जांपल और करते हैं, जैसे कि अपनी बुक में दिया हुआ है, फिर उसके बाद हम कॉलम्स पे मूव करें, ये ना एग्जांपल करोगे तो डेफिनेशन पक्की हो जाएगी। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, अब उसने क्या कहा कि तो that this is known thing, तो इसकी इमेज ना जीरो लेके चलो, ये आपकी इमेज है, अगर आप इसको जीरो के इक्वल लिखोगे तो y की वैल्यू जीरो आ गई, अब x प्लस y भी जीरो है और x माइनस y भी जीरो है, यहाँ पे y की वैल्यू जीरो पुट करो, x भी जीरो मिल रहा है यहाँ से, तो हमारे पास x भी जीरो आ गया, y भी जीरो आ गया, इसका मतलब सिर्फ जीरो की इमेज जीरो है ना, किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट की इमेज आपको जीरो नहीं मिले, पक्की बात है। तो यहाँ से हमें पता चला कि दिस इज नॉन सिमिलर बिकॉज कर्नेल ऑफ टी में सिर्फ क्या जा रहा है, सिंगलटन जीरो, क्योंकि अगर हमने इमेज जीरो ली तो हमें ये जो एलिमेंट है ये क्या मिल गया, जीरो, बस और कुछ नहीं मिला, दैट्स व्हाई दिस इज नॉन सिमिलर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी ऐसे ही है, टी x y z t is equal to 2x y z plus t 0 and we have to prove this is singular, वो तो चलो आ जाएगी। देखो आपने इसको लिखा 0 0 0 0, अब फर्स्ट कॉम्पोनेंट 0 के इक्वल लिखो, x की वैल्यू 0 मिल गई, सेकंड को लिखो y की वैल्यू भी 0 मिल गई, थर्ड को लिखो z plus t 0 मिला और लास्ट वाला तो है ही, तो यहाँ से आपको z की वैल्यू क्या मिली, माइनस ऑफ, तो कर्नेल ऑफ t में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, x y z और t होता है ना, तो दिस इज इक्वल टू x की वैल्यू 0,
y की वैल्यू 0, z की वैल्यू और t की जगह इस टाइप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना वो हमारे कर्नेल ऑफ t में चले जाए, तो हमें सिर्फ 0 0 0 0 थोड़ी मिला है, नॉन जीरो एलिमेंट भी आ सकते हैं ना। देखो यहाँ पर अगर आपने 0 0 -1 1 रखा तो इसकी भी इमेज 0 ही आ रही है, चेक करो 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, -1 +1 ये भी 0 आएगा एंड दिस इज आल्सो, तो नॉन जीरो एलिमेंट की इमेज भी 0 आ रही है। दैट्स व्हाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें यही करना है, इमेज को 0 के इक्वल लेके चलेंगे, अगर आपके एक्स वाई जेड टी सारे 0 आ जाते हैं then the mapping is singular, sorry non-singular, otherwise it is singular. यहाँ पर हमारी z और t की वैल्यू दोनों 0 तो नहीं आई ना, कुछ भी हो सकती है, इसकी 1 तो इसकी -1, इसकी 2 तो इसकी -2, ऐसे कर। तो ये हमारे फर्स्ट और सेकेंड एग्जाम्पल हो गए, क्लियर है सभी को? एक सिंगुलर का था और एक नॉन सिंगुलर का। ओके थर्ड क्वेश्चन देखो, हमें ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है ऐसे y इज इक्वल टू दिस, y में कंफ्यूज मत होना, ऐसे भी दे देता ना कई बार t इज इक्वल टू ए एक्स, या फिर कभी कभी y इज इक्वल टू ए एक्स दे देगा, कोई बात नहीं। अब की बार ये एल टी है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, पहले हम t को लेते थे, तो इधर क्वेश्चन में y को t की तरह ट्रीट करना, इट इज सिंगुलर। तो कोई भी अगर आपके पास इस टाइप से मैपिंग दे देना तो आप सिर्फ इस मैट्रिक्स को चेक कर लो, अगर ये सिंगुलर है तो मैपिंग सिंगुलर, अगर ये हमारी नॉन सिंगुलर है तो मैपिंग नॉन, इसका डिटरमिनेंट निकाल दो आप। इस मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो और मुझे बताओ क्या आ रहा है। इज दिस इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0? चलो ज्योति का 0 आ गया, एनीवन चीटिंग करके बता दिया ज्योति ने, नहीं क्या बता अगली में जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर लियो। चलो तुम सभी भी करो जल्दी से बताओ, इम्पॉसिबल है मैम इतनी जल्दी। सभी का 0 आ गया ना, देखो एक बार चैट बॉक्स में, हाँ जी ओके, चलो सभी का आ गया है, इसका मतलब ये हमारा जो डिटरमिनेंट आया 0, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है दिस इज आल्सो सिंगुलर बिकॉज मैट्रिक्स इज सेम। अब उसने सेकंड पार्ट में क्या कहा है कि आप इन तीन एलिमेंट्स की इमेजेस फाइंड आउट करो और उनको चेक करो कि ये लिनियरली डिपेंडेंट होने चाहिए। देखो क्या क्या वेक्टर्स गिवन है अपने को, एक तो 1 1 1, तो अगर मुझे इमेज निकालनी है तो हम क्या करते हैं एक्स की वैल्यू को पुट कर देंगे, है ना, किया था हमने ये, तो एक्स की आप 1 1 1 पुट करो और इनकी प्रोडक्ट करो, इमेज आ जाएगी फर्स्ट वाले की, तो फर्स्ट वाले की इमेज को मैंने वाई वन मान लिया, तो वाई वन मेरा आएगा इसकी प्रोडक्ट इससे 2, फिर आएगा 6 एंड देन
ये हमारी आ गई फर्स्ट एलिमेंट की इमेज। फिर सेकंड है 212, अगली बार 212 से कर दो, y2 निकालो, करो प्रोडक्ट सभी, और y3 कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, y3 में हमें प्रोडक्ट करनी है 1 2 3 से। बताओ मुझे आपका y2 क्या आ रहा है और y3 क्या आ रहा है। जल्दी करो, चलो 399 आ गया। नेक्स्ट निकाल लो, थ्री इलेवन नाइन। देखो सभी के ये आ रहे हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास तीन वेक्टर्स आ गए हैं, दिस इज सिक्स, और हमें ये चेक करना है कि ये, मतलब उसने कहा है कि प्रूफ करो लीनियरली डिपेंडेंट है। तो एक तो मेथड आपको बताइए, आप क्या करोगे, इस ए वन की प्रोडक्ट करना 266 से, फिर बी प्लस ए टू करना, अभी लिखना 399 एंड फिर ए थ्री लिखना एंड देन 311 9 एंड इज इक्वल टू 0 0 0 और डिपेंडेंट है तो नॉट ऑल जीरो आएंगे, कभी जीरो नहीं आएंगे, एटलीस्ट वन नॉन जीरो मिल जाए, एक तो ये तरीका है। नहीं तो मैंने आपको मैट्रिक्स वाला भी बता रखा, अब क्या करो इनको मैट्रिक्स में लिख दो 266 399 एंड 311 19, और आप ये चेक करो इसके अंदर कोई जीरो वाली रो तो नहीं आ रही, बिकॉज अगर कोई भी जीरो रो आ जाती है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाती है बाकी वाली वेक्टर्स पे, बाकी वाली रोज पर। तो हम यहाँ पर एक एक्लन फॉर्म बनाने की कोशिश करें। एक्लन फॉर्म में हम क्या करते हैं, जैसे ये टू है तो इसको चलो टू से डिवाइड कर दो, मैम वीडियो पॉज हो गई। हाँ हाँ आ गई मैं, यहाँ तक समझ आ गया सभी को है ना, हमारी जो सेकंड रो है वो क्या आ गई, जीरो आ गई।
और जैसे ही सेकंड रो जीरो आ गई तो वो फर्स्ट और थर्ड रो पर डिपेंडेंट है, इसलिए हम क्या कहेंगे ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये एलआई नहीं है, बिकॉज सेकंड वेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट एंड लास्ट वेक्टर। क्लियर? वैसे भी फर्स्ट पे डिपेंड कर रहे हैं, तुम ये देखो ना साफ साफ ही दिख रहा है कि अगर आप 2, 6, 6 की प्रोडक्ट कर दो 3/2 से तो आपको ये ही नहीं मिलेगा, है ना? तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड वेक्टर ही डिपेंडेंट है। ये सुनो, क्लियर सभी को? हमें यही दिखाना। चलो थ्योरम करते हैं। फर्स्ट थ्योरम अपनी क्या है? एक ट्रांसफॉर्मेशन इज सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ T is 1, 1. One singular. T is 1, 1. चलो पहले नॉन सिंगुलर लेके चलो, T को 1, 1 दिखाना है, फिर T को 1, 1 लेके चलना, नॉन सिंगुलर दिखाना है। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है? नलिटी ऑफ T 0, मतलब भी करने वाले और टी भी क्या आना चाहिए, ये भी माइंड में रखो। तो चलो पहले नॉन सिंगुलर लेके चलते हैं। लेट टी यू टू वी इज नॉन सिंगुलर। अगर नॉन सिंगुलर है तो कर्नेल ऑफ टी में सिर्फ क्या होगा? जीरो। ठीक है, तो अब देखना अगर कर्नेल ऑफ टी में सिंगलटन जीरो है तो हमें टी को 1, 1 दिखा रहा है। 1, 1 दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? T of U is equal to T of B लेके चलेंगे and U is equal to V show करेंगे। इसको इधर ले आओ, ये माइनस का हो जाएगा। फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, है ना? अब इस एलिमेंट की इमेज जीरो आ रही है, इसका मतलब दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ T। बट कर्नेल ऑफ टी में तो सिर्फ एक एलिमेंट है जीरो, तो इसका मतलब ये एलिमेंट वही है, तो यू इज इक्वल टू बी आ गया, हो गया ना 1, 1। क्लियर है? अब कर्नेल ऑफ टी को हमें जीरो दिखाना है इफ टी इज 1, 1। ये हमने किया था वैसे, बट इसने ना नॉन सिंगुलर कोई कर्नेल ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो ना, तो वैसे ही नई डेफिनेशन नई थ्योरम बना दी। तो कन्वर्सली हम क्या करेंगे? T को 1, 1 मान के चलेंगे। T is 1, 1. ठीक है, लेट एंड वी हैव टू शो कर्नेल ऑफ T में जीरो के अलावा कुछ नहीं है। तो मान लो कोई एक एलिमेंट है U belongs to कर्नेल ऑफ T, वी हैव टू शो U is equal to 0। कोई एलिमेंट लेके चलो कर्नेल ऑफ T में से एंड हमें दिखाना पड़ेगा कि u इज इक्वल टू जीरो है। अगर दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ t, इसका मतलब t ऑफ u जीरो, बिकॉज कर्नेल ऑफ t के अंदर तो वही एलिमेंट आते हैं ना जिनकी इमेज जीरो होती है। एंड जीरो को ऐसे भी लिख सकते हो आप, जीरो की भी तो इमेज जीरो आती है। तो यहाँ से मेरे पास ये आ गया t ऑफ u इज इक्वल टू t ऑफ t। अब मैपिंग कैसी अपनी? 1, 1 1, 1 मैपिंग है। तो अगर t of u t of 0 के इक्वल है तो u is equal to 0 होगा because t is 1, 1। हमें ये दिखाना था कि u की वैल्यू 0 आएगी because कर्नेल ऑफ t में कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट में नहीं आ सकता। तो हमने जो u एलिमेंट माना था कर्नेल ऑफ t में दैट इज 0 और कोई नहीं है। रिवीजन ही होगी उस वाली थ्योरम की, है ना? बट इसके आने के ज्यादा चांस है एज कम्पेयर टू दैट। क्लियर है ना सभी को? कन्वर्स दोबारा बताना मैम। देखो कन्वर्स में टी को 1, 1 मान के चले हैं एंड हमें दिखाना है कि कर्नेल ऑफ टी में सिर्फ जीरो होगा, ये दिखाना है। जैसे ही कर्नेल ऑफ टी में सिर्फ जीरो आया
तो हमारी जो मैपिंग होगी वो क्या हो जाएगी, नॉन सिंगुलर। तो हमने क्या किया, कर्नेल ऑफ टी के अंदर से एक एलिमेंट लेट कर दिया यू। मुझे क्या दिखाना है कि यू जीरो के अलावा और कुछ नहीं होगा, तभी तो इसके अंदर सिर्फ जीरो जाएगा। तो हमने यू माना कर्नेल ऑफ टी में। कर्नेल ऑफ टी का मतलब क्या होता है, वो एलिमेंट जिसकी इमेज जीरो आ रही है। तो इसका मतलब इसकी एलिमेंट, इसकी इमेज भी क्या आ रही है, जीरो। बट जीरो की इमेज भी जीरो होती है, ये भी पता है। तो टी ऑफ यू किसके इक्वल आ गया, टी ऑफ जीरो। बट अगर टी ऑफ यू टी ऑफ जीरो की इक्वल है और अपनी मैपिंग हम वन वन मान के चल रहे हैं, तो वन वन का मतलब ही यही होता है ना, इफ टी ऑफ यू इज इक्वल टू टी ऑफ बी, दिस इम्प्लाइज यू इज इक्वल। तो अगर टी ऑफ यू टी ऑफ जीरो के इक्वल है, देन यू की वैल्यू जीरो के इक्वल आ गई। इसका मतलब कर्नेल ऑफ टी में जो एलिमेंट है वो जीरो ही है, जीरो के अलावा कुछ नहीं है। तो कर्नेल ऑफ टी में सिर्फ जीरो गया और कोई एलिमेंट गया ही नहीं। अगर कर्नेल ऑफ टी हमारा सिंगलटन जीरो आ गया, देन हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या आ गई, नॉन सिंगुलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। ओके, नेक्स्ट थ्योरम पता क्या कहती है, ए नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैरीज लीनियरली इंडिपेंडेंट फैक्टर्स इनटू लीनियरली इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन है इस टाइप से, उसने कहा कि वो नॉन सिंगुलर है। अगर ये मैपिंग नॉन सिंगुलर है, p is equal to ax, नॉन सिंगुलर मैपिंग है अगर के, तो हमें ये दिखाना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की इमेजेस लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की आएंगी और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स की इमेजेस भी लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स की आएंगी। ये थ्योरम कह रही है अगर आप एलिमेंट्स li लेके चल रहे हो तो उनकी जो इमेजेस होंगी दैट विल आल्सो li, और अगर वेक्टर्स ld लेके चल रहे हो तो इमेजेस आल्सो ld। We have to show this. तो चलो मान के चलते हैं, जैसे कि हमने मान लिया एलिमेंट्स तो हमारे एल आई है। सपोज करो आपने लिया एक्स वन एक्स टू एक्स एन, ये वेक्टर्स ले लिए जो कि हमारे क्या है, एल आई। क्या दिखाना है, जो इनकी इमेजेस आएंगी ना वो भी एल आई आनी चाहिए। अब इसकी इमेज क्या आएगी, ए एक्स वन, इमेजेस ऐसी आएंगी, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इमेज आ जाती है ना। फिर इसकी इमेज क्या आएगी, ए एक्स टू, और इसकी इमेज क्या आएगी, ए एक्स एन। हमें दिखाना कि अगर ये एल आई है ना तो इनकी जो इमेजेस है ये भी एल आई आनी चाहिए। ये कहा है उसने, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉन सिंगुलर। ये ध्यान रखना, नॉन सिंगुलर होगी तभी। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है कि मैट्रिक्स भी नॉन सिंगुलर होने चाहिए। तो यहाँ से हमें पता चला ए का डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, बिकॉज जो हमारी मैपिंग है दिस इज नॉन सिंगुलर। तो अब देखो इनको एल आई दिखाना आपको, चलो इनको दिखाते हैं ऐसे। लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो लेके चलो, and we have to show a1 a2 an all should be equal to 0, tabhi ye li hoga na। to inko aap aise bhi likh sakte ho, fir pure mein se a common nikal lo aise। अब हम हमारे पास जो मैट्रिक्स है ना, देखो वो नॉन सिंगुलर है। अगर वो नॉन सिंगुलर है इसका मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना, तभी तो उसने नॉन सिंगुलर वाला वर्ड दिया है, इसका यूज करेंगे अब।
हमारी जो मैट्रिक्स है दिस इज नॉट सिंगुलर, दैट्स व्हाई मैट्रिक्स इज आल्सो नॉन सिंगुलर. और अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो वो इनवर्टिबल होती है. तो हम बोथ साइड इस इक्वेशन में ए इनवर्स से प्रोडक्ट कर देते हैं, ए इनवर्स से प्रोडक्ट कर दो. जैसे आपने प्रोडक्ट की, ए इनवर्स इनटू ए क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी. ये हो गया आइडेंटिटी. और आइडेंटिटी की किसी से प्रोडक्ट कर लो वही वेक्टर आता है ना, इसलिए हम इस आइडेंटिटी को हटा देते हैं. ये स्टेप्स हमने कर दिए. और जीरो की किसी के साथ प्रोडक्ट कर लो, जीरो आएगा. तो अभी मैंने लिख दिया, क्या आ गया. अब मुझे तुम खुद बताओ, ए वन एक्स वन, ए टू एक्स टू, ए एन एक्स एन, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है. एंड एक्स वन एक्स टू एक्स एन हम एल आई ली के चल रहे हैं, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला आपका, एक्स वन एक्स टू एक्स एन का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है और एक्स वन एक्स टू एक्स एन एल आई है, तो ऑल स्केलर्स विल इक्वल टू जीरो ना. यस और नो? है ना, बताओ. बिल्कुल. तो यहां से मुझे ए वन ए टू ए एन सभी जीरो मिल गए. हमारा काम यही था, ए वन ए टू ए एन सभी को जीरो दिखाना. इसका मतलब ये वाले जो वेक्टर्स हैं दीज आर एल आई. और अगर तुम एल डी मान के चलते हो इसका मतलब ऑल स्केलर्स आर नॉट इक्वल टू जीरो, सभी जीरो नहीं है. तो क्या लिखेंगे हम, नॉट ऑल ए आईज आर, सभी जीरो नहीं है, एटलीस्ट वन नॉन जीरो है. तो इसी तरह से यहाँ पे भी हमें यही मिल जाएगा. तो अगर एल डी है तो ये भी एल डी आएंगे और अगर एल आई है तो ये भी एल आई ही आएंगे. है ना, क्लियर है ना सभी को, क्योंकि लास्ट में सोल्व करके तो वही आता है ना, एक्स वाले पे ही डिपेंड कर रहा है. जैसा एक्स होगा वैसे ही उसकी इमेज हो जाएगी. इज इट क्लियर टू एवरीवन? एल डी का प्रूव कैसे करेंगे मैम? एल डी में यही करना है आपको. देखो ये सारे लीनियरली डिपेंडेंट हैं, आप लोग को दिखाना है कि ये भी क्या होने चाहिए, लीनियरली डिपेंडेंट. आप क्या करोगे, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो लेके चलोगे. आपने इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो लिया, हमें ये दिखाना है ए वन ए टू ए एन नॉट ऑल जीरो, वी हैव टू शो दिस. फिर हम क्या करेंगे, जैसे ये प्रॉपर्टी लगा रखी है, अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो लेके चलते हैं, फिर मैंने अभी क्या था, मैट्रिक्स हम बाहर रख लेंगे, फिर हम मैट्रिक्स को कॉमन ले लेंगे ऐसे, और फिर हम ए इनवर्स से प्रोडक्ट कर, तो वापिस से वही रिजल्ट आएगा. जैसे ही आपका एक्स वाले बिहेव करेंगे ना वैसे ही हमारे कोफिशिएंट मिल जाए. ठीक है, तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो लेके चले और हमारा जो एक्स वन एक्स टू एक्स एन है अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है देन ए वन ए टू ए एन नॉट ऑल जीरो. और हमारा काम यही था, ए वन ए टू ए एन नॉट ऑल जीरो आने चाहिए, तभी तो इमेजेस भी नॉट ऑल वो होंगी ना डिपेंडेंट. सेम प्रोसीजर करना आपको. लास्ट में तो हम कहाँ पर आकर अटक जाते हैं, एक्स पे. जैसे एक्स वाले होंगे वैसे ही उनकी इमेजेस होंगी. ठीक है, यस मैम, आ गया. हाँ तभी कह रही हूँ मैं, सेम ही था. एक ये और कर लो, इस वाली इससे अगली वाली जो थ्योरम अभी इसको छोड़ दो, इससे अगली वाली करवा देती हूँ मैं, वो छोटी सी है. वो कल कर ली. ये देखो इसने क्या कहा है थ्योरम में, ये वाली थ्योरम देखना सभी, दिस वन मैं तुम्हें दिखा देती हूँ स्क्रीन में, ये वाली निकाल लो सभी. ठीक है चलो. If UF is a finite dimensional vector space, then U and RT, range space, have the same dimension if and only if T is equal to T is non-singular. हमें दिखाना है dimension of U is equal to dimension of RT if and only if T is non-singular. देखो
अगर टी नॉन सिंगुलर है इसका मतलब क्या होगा, एन टी जीरो, या फिर लिख लो कर्नल ऑफ टी जीरो होगा। अगर कर्नल ऑफ टी जीरो है तो डायमेंशन कितनी आएगी कर्नल ऑफ टी की, जीरो ना, बिकॉज जीरो इज ऑल्सो ए लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, तो हमें एक भी एल आई वेक्टर तो मिलेगा ही नहीं। तो हमें ये दिखाना है अगर ये है तो ये होगा और अगर ये है तो ये होगा, हमारा काम ये दिखाना है। सिल्वेस्टर लो याद करो, सिल्वेस्टर लो में क्या था, डायमेंशन ऑफ आरटी प्लस डायमेंशन ऑफ कर्नेल ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ। अब अगर डायमेंशन ऑफ कर्नेल ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो है, मतलब कि फर्स्ट आप मान के चलो टी इज नॉन सिंगुलर, अगर टी नॉन सिंगुलर है तो कर्नेल टी जीरो होगा, उसकी डायमेंशन जीरो होगी, तो जैसे ही डायमेंशन जीरो होगी तो डायमेंशन ऑफ आर टी डायमेंशन ऑफ यू टी इक्वल आ गई ना, यही प्रूव करना अपने को, यस और नो, है ना। अगर टी नॉन सिंगुलर है तो कर्नेल ऑफ टी जीरो होगा, उसकी डायमेंशन जीरो होगी, तो हमने सिल्वेस्टर लॉ के अंदर उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो हमें क्या मिला, डायमेंशन ऑफ आर टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। अब आप रेसिप्रोकल मान के चलो, कन्वर्सली पार्ट, कन्वर्सली में हम क्या करेंगे, ये मान के चलेंगे, ये चीज मान के चलो, एंड यू हैव टू शो टी इज इक्वल टू नॉन सिंगुलर, तो ये है हमारे पास। और सिल्वेस्टर लॉ ये कहता है डायमेंशन ऑफ आर टी प्लस डायमेंशन ऑफ कर्नेल ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू, तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो ना, अब दोनों साइड से डायमेंशन ऑफ यू कट गया, क्या वैल्यू आई, डायमेंशन ऑफ कर्नेल ऑफ टी कितना आ गया, जीरो, इसका मतलब कर्नेल ऑफ टी में क्या है, सिंगलटन जीरो, इसका मतलब क्या होगा, टी इज नॉन सिंगुलर, क्लियर, बिल्कुल आसान है ये, इसलिए करवा दी मैंने फटाफट, क्लियर है ना सभी को, तो इतना कर लेना, हमारी अभी दो थ्योरम्स बाकी हैं, वो हम कल कर लेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई कर लेना तुम एक बार, बता देना मुझे जो डाउट्स हो, ये एक्सरसाइज कल वाइंड अप कर लेंगे, थैंक यू। रिकॉर्डिंग शेयर कर देना रघु।